आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। बरेली के थाना हाफिजगंज में पकड़ी गई भारी मात्रा में देशी शराब। पकड़ी गई है कल शाम। सर ये कहाँ से आ रही थी? ये दो व्यक्ति पकड़े गए हैं, डीसीएम के साथ में, और डीसीएम के अंदर से करीब 400 पेटी शराब बरामद हुई है देशी। इनसे पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि ये शराब ये पानीपत से लेके आ रहे थे और इनको लखनऊ से आगे जाना था। लखनऊ में इनको एक व्यक्ति मिलता है जो चेंज ओवर करके शराब को बिहार तक लेके जाता है। तो मतलब ऐसे कहाँ से रहती है, कहाँ तक ले जाना था, बिहार तक ले जाना था इन्हें? हाँ, ये पानीपत से बिहार लेके जाते हैं। बिहार में शराब बंदी है, बिहार में सप्लाई करने का प्लान था। तो जैसे जो दो व्यक्ति पकड़े गए थे, कहाँ के व्यक्ति दोनों ये? इनमें से एक व्यक्ति पानीपत का रहने वाला है और दूसरा औरंगाबाद बिहार का रहने वाला। बड़े पैमाने पर हाफिजगंज में शराब पकड़ी गई है, जिसे पानीपत हरियाणा से लाया जा रहा था। डीसीएम में आ रही थी, डीसीएम से सप्लाई हो रहा था, तो ड्राइवर पकड़े गए हैं और ये पकड़ने वाली टीम ये है। नाम क्या है तुम्हारा? तेज बोल। बाप का नाम? कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, तेरा क्या नाम है? बाप का नाम? कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, कहाँ से आ रहे थे? पानीपत से आ रहे थे। तो कहाँ जा रहे थे? लखनऊ। शराब किसकी है? परवीन की। परवीन कहाँ का है? पानीपत गई है। और वहाँ किसे देनी थी? लखनऊ। अच्छा, वो अपने आप बात करा था।